चलिए सीधा मैं घोसी का रुख कर लेती हूँ। मानस श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं। मानस, क्या माहौल घोसी में? 10 बज चुके हैं, यहाँ पर लंबी कतारें नजर आ रही हैं, वोटर्स का क्या हाल? जी बिल्कुल, घोसी में सुबह से ही मतदाता अपने घरों से निकल आए थे और देखिए पोलिंग बूथ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लगातार लोग जा रहे हैं। आप आइए, ये देखिए छोटी सी बच्ची भी आई है और देखिए इसने भी अपने हाथ में देखिए ये लगा स्याही लगा ली है इसने। इसको भी, चूँकि अभी वोटर तो नहीं है ये, लेकिन इसको शौक है वोट, तो वो अपने, ये आपकी पोती है? नतनी है सर। तो ये बताइए क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? माहौल बहुत बढ़िया है, धूप थोड़ा आज नॉर्मल है, इसलिए आज काफ़ी भीड़ है। मुद्दा क्या है? हमारे पर 102 पे भीड़ नहीं था। मुद्दा क्या है यहाँ पे आज? मुद्दा यही महंगाई, बेरोजगारी है। हम बुनकर हैं, हमारा कुछ पेट नहीं भर रहा है। बुनकरों के लिए एक बड़ी समस्या रही, तमाम सरकारों में पहले भी, इस सरकार में कुछ बेहतर, आलू और चावल पेट नहीं भर रहा है। मिर्चा भी महंगा हो गया, बहुत देखिए ये समस्या है यहाँ पर। समस्या सर, आप बताइए, आप तो यूथ हैं, वोट डालने जा रहे हैं। हाँ, इस बार क्या मुद्दा है जहन में? कहिए, इस बार मुद्दा क्या सोच के वोट करने जा रहे हैं आप लोग? बस सरकार अच्छी बने और सब सिस्टम सही हो जाए। अच्छा, 10 साल तक सरकार रही, उसने कहा कि बहुत सारी चीज़ें उसने दी, मुफ्त राशन दिया, उज्ज्वला योजना, तमाम योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबां केसरी। आप लोग इन योजनाओं से संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? प्रधानमंत्री आवास से तो संतुष्ट हैं, ठीक है वो, लेकिन ये फ्री का राशन और हमको तो नहीं समझ आ रहा है। हाँ, फ्री को किसी खिला के आप उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। जी आप बताइए। आलोक श्रीवास्तव हूँ मैं। जी ये बताइए कि क्या मुद्दा है इस बार घोसी में? भय, भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ जनता इस बार इस प्रचंड गर्मी में भी मतदान करने के लिए अपने घरों से निकल गई है। आप संतुष्ट नहीं सरकार के कामकाज से? मैं सरकार की नीतियों से, सरकार की किसी योजनाओं से संतुष्ट नहीं हूँ। सरकार जनता के खिलाफ, जनहित के खिलाफ ये सरकार रही है पिछले 5 सालों में। इसका एक काम ऐसा नहीं है जो ये जनता के बीच में ला करके अपने लिए वोट की मांग कर सके। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। किसने, आप वोट डालने जा रहे हैं? हाँ जी सर। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर है। ज़ुबैर साहब, ये बताइए कि इस बार घोसी की जनता किस मुद्दे पे वोट कर रही है? सर, इन्फ्लेशन पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे और बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे यहाँ पे रोज़गार की अपॉर्चुनिटी, जैसे साड़ी का काम है, तो बेसिकली साड़ी को अगर आप देखें तो ग्लोबल मार्केट में एक एक्सपोजर मिले, नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में, उसके लिए सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी हो, एक्सपोर्ट हाउस हो, ICD हो, यहाँ पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। थोड़ा टेक्सटाइल इंजीनियर यहाँ पे आए, नए नए वैरायटीज़ के ऑप्शंस बने कि धागे और हैंडलूम से क्या बनाया जा सकता है। बेसिकली यहाँ पे रोज़गार, लेकिन सरकार तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट चलाती है, प्रमोट कर रही है हम तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। यहाँ पे कोई क्या फैसिलिटी, आप देखिए यहाँ पे कोई एक्सपोर्ट हाउस है या ICGC कोई ऑफिसेज हैं, कुछ नहीं है यहाँ पर। जो भी लोग करते हैं अपने नॉलेज से करते हैं। जैसे बेसिकली लूम में जकाट होता है, उससे साड़ी की डिज़ाइनें बनती हैं, तो वो सब जो भी चीज़ें हैं सो मैनुअली लोग अपने स्किल से कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा है, वो जो सरकार से सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिला, वो नहीं मिल रहा। चलिए और भी यूथ है, आप बताइए। जी युवा है आप, क्या मुद्दा है, क्या सोच के वोट डालने जा रहे हैं? जी अभी दोस्त के साथ आए हैं। अच्छा, मुद्दा सोचा नहीं अभी। अच्छा, आपने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे ही वोट डाल देते हैं सिर्फ पार्टी देख करके। अच्छा, यहाँ पार्टी देखी जाती है, प्रत्याशी देखते हैं आप लोग? प्रत्याशी देखा जाता है, हम लोग पार्टी क्यों देखा जाएगा भाई। जो सरकार अच्छी काम करेगी उसके लिए सहयोग करेंगे हम लोग, जो अच्छा काम करेगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, प्रत्याशी दे करके वोट किया जा रहा है। बहुत सारे देखिए बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे भी। चलिए, तो घोसी का हाल बता रहे थे मेरे सहयोगी मानस श्रीवास्तव।